हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सालनी बुटीक। आज हम बनाएंगे तकिए के लिए बहुत ही सुंदर सा कवर और उसमें हम अंडरग्राउंड जिप भी लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई हमें 14.5 इंच लेनी है। कपड़े की लंबाई हमें जो भी तकिए की तैयार नाप रखनी है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह मैंने इसकी लंबाई 22.5 इंच ली है। कपड़ा मैंने ये 2 फोल्ड में रखा हुआ है। जिस साइज का ऊपर वाला कपड़ा है सेम साइज का हमें नीचे का भी फैब्रिक रखना है और एक फैब्रिक इसमें से लेंगे और जितने हमें नीचे से जिप लगानी है उतना मार्क लगा लेंगे। हम इसमें 7 इंच नीचे से जिप लगाएंगे, यानी कि कट करके उसमें जिप लगाएंगे, वो हम कट 7 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरह पूरे कपड़े में 7 इंच का ऐसे मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम इसे सीधा मिला देंगे और इसी निशान के ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हम जिप लेंगे। जिप हमें कपड़े से थोड़ी सी छोटी रखनी है और इस तरह से आप चाहें तो सेम मैचिंग की भी जिप ले सकते हैं। मैंने इसमें ब्लैक कलर की जिप ली हुई है। अब इसका छोटा वाला पार्ट लेंगे और उसकी सीधी साइड ऊपर की साइड रखेंगे और जिप की सीधी साइड नीचे की साइड रखेंगे और इस तरह रखते हुए इसमें एक हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से एक चाप की इसमें हम सिलाई लगा देंगे और अब इसके बाद इस तरह से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर से भी एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे जिससे कपड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट था वो कपड़ा लेंगे और उसकी सीधी साइड हमें ऊपर की साइड रखनी है और जिसमें हमने जिप लगाया कपड़े में वो वाला कपड़ा हमें इसके ऊपर से रखना है और उसकी सीधी साइड हमें नीचे की साइड रखनी है, यानी कि दोनों की साइडें सीधी वाली अंदर रहेंगी और जिस तरह हमने पहले कपड़े में जिप में सिलाई लगाई थी वैसे ही इसमें भी हम एक सिलाई लगा देंगे एक चाप की इस तरह से और वापस इसे इस तरह से पलट लेंगे और इसके ऊपर भी हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद जिप को कवर करते हुए जितने में हमारी जिप पूरी ढक जाएगी उतना कपड़ा हम इसके ऊपर फोल्ड करके रखेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे जिस तरह मैंने ये ब्लॉक बना के एक निशान लगाया हुआ है। ये निशान हमें इस तरह लगाना है कि जो हमारी जिप है नीचे उसके ऊपर सिलाई आ जानी चाहिए। कपड़ा हमें उतना ही फोल्ड करना है जितने में हमारी जिप अंदर हो जाए और इस तरह से इसे हम पिनअप कर देंगे जिससे कपड़ा खिसकेगा नहीं और बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। और अब इसके बाद जो हमने निशान लगाया है सेम उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हम सिलाई लगा के ले आएंगे। अब इसके बाद कपड़े को हमें इस तरह से घुमा लेना है और जिप के ऊपर 2-3 बार सिलाई लगाते हुए पक्का कर लेना है। और ये ध्यान रखना है जब भी हम जिप के ऊपर सिलाई लगाएँ तो बहुत ही आराम से लगाएँ, नहीं तो नीडल टूट सकती है। और इस तरह इसे पक्का करते हुए आगे ऐसे मोड़ लेंगे कपड़े को और उसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेनी है। नीचे हमें जिप अटैच करते हुए चलना है और जिस तरह हमने उस साइड में सिलाई लगाई थी वैसे ही हम इस साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए कितनी सुंदर सी अंडरग्राउंड जिप लगा के हमने तैयार कर लिया है इस तरह से। अब इसके बाद जो इसका दूसरा फैब्रिक था वो हम इसके ऊपर रखेंगे और जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम काट के निकाल दें। और ये ध्यान रखना है कि जब हम कपड़े की लंबाई लें तो लंबाई हमें जो टोटल हमारी लेंथ है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी चाहिए, क्योंकि ये बाद में कपड़ा इतना हमारा कटिंग में चला जाता है तो कपड़ा बाद में छोटा हो सकता है। इस वजह से पहले से ही हमें लेंथ में 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहिए। और अब इसके बाद हम इसके चारों तरफ इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे और इस तरह से मैंने
इसके चारों साइडों में सिलाई लगा के तैयार कर लिया है और जो हमारी जिप एक्स्ट्रा हो रही है उसे हम काट के निकाल देंगे, जिससे कपड़ा पलटने में आसानी होगी। और जिप को खोलकर इस तरह से हमने कवर को सीधा कर लिया है और ये देखिए हमारी अंडरग्राउंड जिप लगा के हमने कवर को तैयार कर लिया है। अब मैं इसके अंदर आपको तकिया डाल के दिखाती हूँ कितना फिनिशिंग से हमारा कवर बना हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, देखने में कितना सुंदर लग रहा है और कोई भी इसकी जिप वगैरह कुछ भी बाहर नहीं दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।